अभिनंदन कीजिए आप लोग। Thank you.
March passed. I would request our respected teachers to kindly take their position. I would also request the students to take their place on their respected floors. Dear volunteers, kindly assist everyone in finding their seats and getting settled. Thank you. Successful people maintain good habits, and their hard work determines the quality and quantity of rewards. Among us, we have one such great person today. We now request our Honorable Chief Guest, Shakti Mohan Awasthi Sir, to inspire us by giving some messages. रिस्पेक्टेड चेयरमैन सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल सर, यहाँ मौजूद सभी टीचर और सभी स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार और सभी को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। आप लोग सभी एनर्जी से भरपूर लग रहे हो, इसलिए आप लोगों को ढेर सारा गुड मॉर्निंग। आज आप सबको देख के मुझे भी अपने स्कूल के दिन याद आ गए, और जिस तरह आप लोग एनुअल स्पोर्ट्स मीट मना रहे हो, हम लोग मनाते थे और इस दिन को पूरे साल याद रखते थे। एक और बहुत अच्छी चीज है कि आपने आज एक आईपीएस को और एक पुलिस वाले को यहाँ पे चीफ गेस्ट की तरह बुलाया हुआ है। बहुत बार जनता में ये परसेप्शन होता है कि पुलिस हमारी दोस्त नहीं होती है, पुलिस से दूर रहो, लेकिन सही मायने में पुलिस आपकी दोस्त होती है। और जब बच्चों के सामने एग्जाम्पल्स रखे जाते हैं, चाहे वो आईपीएस का हो या चाहे किसी पुलिस वाले का हो, तो उनके मन में पुलिस के प्रति भावना अच्छी आती है और उनके पास जाने में हिचकिचाते नहीं है। तो मेरा आप सबको ये संदेश है कि पुलिस आपकी दोस्त है, और आज यहाँ पे चीफ गेस्ट बनके मैं धन्यवाद करूँगा प्रिंसिपल साहब का कि उन्होंने आपके मन में भी ये बात डाली है। स्पोर्ट्स जीवन का एक बड़ा ही अभिन्न अंग होता है। स्पोर्ट्स से ना केवल शारीरिक क्षमता, फिटनेस जिसे बोलते हैं, वो आती है, बल्कि साथ ही साथ कुछ बहुत ही जरूरी खूबियां भी मिलती हैं, जैसे कि टीम वर्क। लाइफ में जब भी आप किसी गोल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो अगर आपके पास एक अच्छा टीम वर्क करने की शक्ति है, एबिलिटी है, तो आप पाएंगे कि आप अपना जो लक्ष्य है उसको और आसानी से प्राप्त कर लेंगे। स्पोर्ट्स में डेडिकेशन की भावना, परसिवरेंस मतलब होता है निरंतर प्रयास करते रहना। जब भी हम कोई नया खेल सीखते हैं या खेल में कोई नया कार्य करते हैं, तो हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन धीरे धीरे मेहनत के साथ साथ, परसिवरेंस के साथ साथ हमको सफलता मिलती है। तो स्पोर्ट्स हमको परसिवरेंस सिखाता है, जो कि भविष्य में एक बहुत ही जरूरी क्वालिटी होती है। अगले कुछ दिन आपकी स्पोर्ट्स मीट चलेगी, उसमें कुछ विजेता होंगे और कुछ विजेता नहीं होंगे, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि कोई भी स्पोर्ट्स में असफल नहीं होता है। या तो आप जीतते हैं या आप सीखते हैं। Either you win or you learn. कोई भी खेल में कभी हारता नहीं है। जब आप सीखते हैं तो आप अगली बार मेहनत करके और अच्छा करते हैं। साथ ही साथ जो व्यक्ति, और ये बात सभी के लिए है कि व्यक्ति आमतौर पे जीत से कम सीखते हैं और ना जीतने से ज्यादा सीखते हैं, तो जो भी मेडल विनर्स
स्पोर्ट्स मीट के अंत में हो, वो अपनी जीत से सीखें, और जो मेडल विनर ना हो वो अपने तजुर्बे से सीखें, तब ये स्पोर्ट्स मीट आपके लिए एक लर्निंग एक्सपीरियंस की तरह काम करेगी। आज हम देखते हैं हमारे देश में खेलों को लेके एक नई रुचि आई है। पिछले कुछ सालों में ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड, इन सब में भारत ने काफ़ी मेडल पाए हैं, और हम देख रहे हैं कि जो पुरानी कहावत थी कि खेलो कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ो लिखोगे बनोगे नवाब, ये बात पूरी तरह सच नहीं है। आप खेल कूद कर भी नवाब बन सकते हैं, और आप जहां हैं वहां अच्छा करें तो वो नवाब बनने का एक बहुत ही अच्छा तरीका है। अंत में एक मैसेज मैं आपको दूंगा, क्योंकि ये स्कूल 11वीं 12वीं का है। आप लोगों का इस समय जीवन में ये जो समय है, पड़ाव है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जो अभी फैसले लेंगे अगले कुछ सालों में, वो आपके आगे के जीवन में 50 साल साल निर्धारित करेंगे। मैं देखता हूं कि आजकल की सस्ती कि 11वीं 12वीं बच्चों को कुछ काउंसलिंग की जरूरत होती है। कई बार लोगों को डाउट होते हैं कि भविष्य में क्या कर सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। मुझे स्कूल से पास आउट हुए करीब करीब 12 साल हो चुके हैं, और इस दौरान मैंने काफ़ी चीज़ें देखी हैं, काफ़ी तजुर्बे। अगले कुछ दिनों में हर हफ्ते में कुछ एक घंटे या हर 15 दिन में एक घंटे केवल और केवल आजमगढ़ में जो बच्चे हैं स्पेशली 11वीं 12वीं के, उनको देना चाहूँगा, ताकि उनके भविष्य में जो भविष्य के लिए जो डाउट हैं, जो शंकाएँ हैं, या उनके पास जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में वो जागरूक हो सकें। तो ये मैं आपको बताऊंगा, बाद में भी मैं आपके प्रिंसिपल साहब को भी ये बात बता दूंगा। आप में से जो भी लोग ऐसी कोई शंकाएं हो जिन, तो वो आ सकते हैं, और मैं अपना भरपूर प्रयास करूंगा कि आपकी ये शंकाएं दूर हों। अंत में मेरी आप सभी को शुभकामनाएं स्पोर्ट्स मीट के लिए, और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। I absolutely agree with you. Thank you so much for sharing your wisdom with us. Thank you. You may now take your seat. Everyone, please give our chief guest a huge round of applause. Now, this is the time for a beautiful song. This is the time for a beautiful song which is being led by Divakar sir and his team.